clapping. Put your hands together. Welcome, Mohammed Sohail. Give it to Mohammed Sohail, guys. कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आईफोन खरीदा भाई, उसका सबसे मेन फीचर वही है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे कोई एंड्रॉइड के साथ दिखता मैं थूक देता हूँ. बैक जाने का ऑप्शन है तेरे पास, ये होता है फोन. यहाँ पे मुझे बैक जाना होता है, ऐप बंद करके वापस चालू कर. मैं लिया 12 महीने की EMI पे. एकदम अपने बच्चे की तरह पाल के रखता हूँ मैं, किसके हर महीने की स्कूल की फीस भरनी है. ले लिया, मैं खुद का इंश्योरेंस नहीं है, मैंने आईफोन का कराया है. तो ये गिरा तो ज़्यादा नुकसान होएगा. तो मैं लाया, पापा ने पूछा कितने का है, 80,000 का है. तो नॉर्मली पेरेंट्स सुनते बोलते 80,000 में ये आ जाएगा वो आ जाएगा. मेरे पापा थोड़ी वियर्ड एग्जांपल दे देते हैं. मुझे 80,000 का फ़ोन लाया, इतने में 3 बार पथरी का ऑपरेशन करवाता. पथरी है भी नहीं उन्हें, पर वो 3 बार करा लेते. पर है, बेस्ट फ़ोन है ये, कॉन्फिडेंस तो बेस्ट आ जाता है. मतलब अब मैं जाता हूँ, पहले मुझे अगर कोई रेस्टोरेंट में जाने से डर लगता था, मैं जाके बैठता मुझे फैंसी रेस्टोरेंट में कि यार मुझे खाना आता है कि नहीं आता है, अब फ़र्क नहीं पड़ता. मैं फ़ोन जाता हूँ पहले उल्टा रखता हूँ टेबल पे. लोगों दिखना चाहिए, मैंने कवर भी नहीं लिया, गांड मरा. लोगों क्लियर दिखना चाहिए, फ़ोन के साइड से रखता नहीं क्योंकि वहाँ से रियलमी जैसा दिखता था. मैं लोकल की लाइन स्किप कर देता हूँ, आईफोन ऐसे उल्टा लेके चलता हूँ, वो स्किप कर, सब जानते हैं कि फर्स्ट क्लास वाला बंदा हो. जाता हूँ विंडो पे, बोलता हूँ एक्सक्यूज मी, एहतियात एयरवेज का टिकट यही मिलता है. रोज चार्टे पढ़ते हैं पर कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा मेरा. ऐसे ही रैंडमली एयरपोर्ट चला जाता हूँ बस पूछने के लिए, चर्चगेट की ट्रेन यहीं से जाएगी. इतने कॉन्फिडेंस से पूछता हूँ, वो भी बोलता है हाँ गेट नंबर 1 मिनट क्या. मैंने डेटिंग साइट बनाई है, गर्लफ्रेंड चाहिए भी नहीं मुझे, 6 के 6 फोटो आईफोन के डाल दिए, बायो में डाल दिया नॉट इट 4 कप्स जस्ट टू शो ऑफ माई आईफोन. किसी का राइट सॉरी बात है, मैं खुद ब्लॉक कर देता हूँ उसको. बैक यहीं से मुझे दिख रहा है एंड्रॉयड होगा तेरे पास. बस आईफोन से एक चीज़ चेंज नहीं कर पा रहा, मैं नवी मुंबई से आता हूँ. नवी मुंबई मुंबई का एंड्रॉयड वर्जन है, सारी फैसिलिटीज़ है, बस बहुत सस्ता है इसलिए छूती है. पता नवी मुंबई का बाद में बताता हूँ, पहले आईफोन ख़त्म कर लेता हूँ. और कोई टैग बोल रहा हूँ मैं, हमने शो बस नए जोक्स डालने के लिए ट्राई किया है, अब मुझे देखना है. हाँ ये आईफोन ये भैंस मजाक नहीं है, ठीक है. एक तो मैं नहीं, इसमें लोगों छुप गया, सॉरी. कोई जोक देखने दो 1 मिनट, और कोई बचा है इसमें. हाँ एक भूल गया था, सॉरी. मैं आईफोन में पूरे पैसे डाल दिया ना, तो अब फ्लाइट की टिकट तो ले लेता हूँ मैं, पर मैं विंडो सीट नहीं ले पाता क्योंकि उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं. तो मैं बीच में बैठा हुआ होता हूँ. और आगे क्या था, बस मैं पूरा पढ़ लेना चाहिए था. फ़ोन जेब में डालने से पहले पूरा पढ़ना चाहिए था. हाँ वॉच रियल मी की है. कुछ बचा नहीं है मेरे पास, सारे पूरे माँ के जेवर बेच के लिए आईफोन. मैं गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था ना, अब है गर्लफ्रेंड क्योंकि अब कॉन्फिडेंस आ गया. जोक सुनो मैं, जोक नहीं है गर्लफ्रेंड, खाली इस जोक के लिए बनाई थी. चला गया था ऐसे ही, सामने कोई तो बैठी हुई थी टेबल पे, मैं गया फ़ोन रख दिया उल्टा. फिर चले कॉफ़ी डेट पे, मुझे भोसड़े के कैफे में ही बैठे. तो
पर ये जब गर्लफ्रेंड हो जाती है ना तो थोड़ा सा सेंस तो आ जाता है. मैं जब थी ना गर्लफ्रेंड तो उस टाइम पे मुझे कपड़े पहनने आ गए थे, ठीक है. उस टाइम पे मुझे उसने उससे पता चला कि पैंट और शर्ट मैच करके पहनने होते हैं. ये देख रहे हो मुझे, आप गर्लफ्रेंड नहीं है, पिंक पे ब्लू पहन के चल रहा हूँ मैं. वो मार देती थी मुझे. तो पर बात आगे नहीं बढ़ रही थी, बार बार बस चाय और कॉफ़ी पीने जा रहे थे. मैं बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा. तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला कि उसके साथ हॉरर मूवी देख. हॉरर मूवी देखे, उसको डर लग गया, वो तेरे करीब आ जाएगी. तो उसको लेके गया मैं हॉरर मूवी देखने. बस उसने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई कि जब हॉरर मूवी देख रहे हैं तो मैंडेटरी है कि वो डरे. हम बैठ के देख रहे हैं, उससे ज़्यादा मेरी गांड फट रही. तुम कैसे किसी लड़के को इम्प्रेस करोगे जब तुम 10 मिनट उसके साथ और तुम्हारे मुंह से मम्मी निकल रहा है. प्लीज बचा लो. तो देख रहे हैं हम हॉरर मूवी, और हॉरर मूवी में ना एक मैंने स्कैम देख लिया. हमने इतनी हॉरर मूवीज देख लिया तो सब में क्या होता है ना कि विजुअल्स उतने स्कैरी नहीं होते. वो उससे पहले ना एकदम जंप स्कैर के लिए साउंड बढ़ा देता है और उससे डर लगता है. तो जैसे ही मुझे लगता है कि कोई भूत का सीन आने वाला है मैं म्यूट कर देता हूँ. तो अब बस मुझे एक कोई चूतिया लड़का दिख रहा है एक्स्ट्रा मेकअप के साथ. मैं हॉरर मूवी में डरने से मुझे अच्छा फील कर रहा हूँ यार, इतना बुरा तो नहीं दिखता मैं. ऐसे ही हॉरर मूवी देख देख के परेशान हो गया था. और हाँ, आईफोन में एक चीज़ बताना भूल गया. आईफोन में ना सब जगह रिस्पेक्ट मिलती है, एक जगह नहीं मिलती, उबर में. वो कैंसिल कर देता है. उसको नहीं पता ना मेरे पास आईफोन है. वो करे यार कैंसिल. एक तो कैंसिल करते हैं वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है मुझे. कोई कोई होता है ना वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, पर बोलता है कैंसिल आप करो. कि मेरे पॉइंट्स कम होते. पर अब मेरे पास जब से आईफोन आया ना मैं अपना ईगो पे ले लेता हूँ. ऐसे एक जन को बुक किया था और बोला मैं नहीं जाऊँगा. बोला मैं कैंसिल भी नहीं करूँगा. बोलता मैं भी नहीं करूँगा. मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा. मैं भी बिल्कुल नहीं करूँगा. तो अब 1 महीना हो चुका है. 1 महीने से मुझे रोज सुबह ओवर का नोटिफिकेशन आता है, यू आर स्टिल राइडिंग विथ राकेश. पर फोन किया उसने, 2-3 बार फोन किया मुझे ऐसे कि सर प्लीज कैंसिल कर दो प्लीज, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, काम पे नहीं जाते. मेरा भी आईफोन जा नहीं पा रहा कहीं. एक तो वो पढ़ लेना चाहिए था मुझे एक साथ. ठीक है, कोई बात नहीं. तुम लोग कल आओगे ना, कल ये जोक अच्छे से रट्टा मार के आऊँगा. ठीक है. ऊबर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. मैं एक ऊबर में चढ़ा और उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी. बोला सर कुछ अजीब सी बास आ रही है. बोलता हाँ बेटा जब से आप आए हो बास तो आ रही है. मेरे में से नहीं आ रही, आप में से आ रही है. तो ठीक है, मेरे में से भी नहीं आ रही. तो आप क्या करेंगे? बोलता आप चेक करेंगे. ऊबर एक दूसरे को सूंघने के लिए थोड़ा ना बुक किया मैंने. जी ऊबर का मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अब बताता हूँ. यहाँ पर कोई है नवी मुंबई से? ओके, आप दोनों और कोई नहीं है ना? ठीक है, बस दो ही लोग आ पाए वहाँ से. यही है नवी मुंबई का, ये जो वहाँ चले जाते हैं ना वहीं रहते हैं. मैं ही हूँ अकेला चूतिया जो आ जाता हूँ 40 किलोमीटर. बहुत प्रॉब्लम है, नवी मुंबई अलग प्लानट है. वहाँ से किसी को भी बोलना अलाउड नहीं है प्राउड मुंबई कर. कोई बोलता पीछे से टपली पड़ती. जिन्होंने खुद नवी मुंबई बनाई है ना वो प्राउड नहीं है. उन्होंने आधा बनाया, आधा बना के छोड़ दिया. क्योंकि उन्होंने आधा बनाया, आधा बना के उन्हें खुद रियलाइज हुआ भैंचो बहुत दूर आ गए. वापस जाते हैं मेट्रो के काम में टाइम पास करते हैं. तुम लोगों को पनवेल पता है? पनवेल एक जगह है. हाँ, हम लोग मानते नहीं उसको नवी मुंबई में हो. वो नवी मुंबई का नवी मुंबई है. बना दिया उन्होंने ओल्ड पनवेल, ठीक है, और वो बहुत बेकार जगह थी. फिर उन्होंने अभी नई चीज़ निकाली, न्यू पनवेल. जब ओल्ड पनवेल में हक दिया था
तो ये न्यू पनवेल वापस पनवेल में बनाने की क्या जरूरत है? न्यू पनवेल अंधेरे में बनाते ना फुद्दू। तुम्हारे पास डायरेक्शंस है ठीक है मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न ट्रेन की, हमारे पास हार्बर है, उसको सुन के लगता कोई मजदूरी करने जा रहा है। बहुत अजीब जगह है, एक तो इतना टाइम लगता है वहाँ पे जाने में। मैं नेपाल गया था, नेपाल से ना मैं नेपाल से मुंबई आ गया 2 घंटे में। और फिर यहाँ पे एयरपोर्ट से घर जाने में 3 घंटे लगे। मैंने उबर बुलाई, मैं जब भी उबर बुलाता हूँ उबर अगर ऑटो बुक कर लेता हूँ ना किसी दिन, उसका पहले ही फ़ोन आया था डेस्टिनेशन देख के, भाई सिलेंडर खुद लाना। 3 बार CNG भराने नहीं रुकूंगा मैं। कभी कभी कोई अचानक से एक्सेप्ट कर लेता, मैं OTP बताता हूँ, वो डायरेक्शन देख लेता है कि इतना दूर जाना, मुझे डांट दे इतना दूर क्यों जाना बहन। बोलता आज कहीं नहीं जा, मेरे घर पे सोएगा। एक बार लेके गया था, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था। वो कोई कोई होता है डेस्टिनेशन देखता ही नहीं है, वो बस चला रहे होते हैं मैप देख के, हम चल रहे 1.5 घंटे से। 1.5 घंटे बाद पीछे चेक कर रहा है, आप अभी भी यही हो। उसे लगा 1.5 घंटे हो गए, मतलब उसने 3 राइड कर लिए। वो चला रहे, फिर मुझे देखा और डिसअपॉइंट हो गया कि भैंस जो ये, और अभी 25 किलोमीटर बाकी है, 1.5 घंटा और। छोड़ दिया उसने, काम छोड़ दिया। तो आप कैंसिल करो, मैं बोला आप कैंसिल करो, ठीक है खत्म हो गया, अभी रैंडमनेस खत्म हो गई, अभी मेन जोक्स पे आते हैं। ठीक है तो कौन सा करा था मैं, हाँ उबर, सॉरी क्यों गिर गए तुम, बिल्ली आ गई क्या पीछे, आराम से रहो। एक तो भाई तू गेम खेल रहा है। अरे फोन हॉरिजॉन्टल मोड में था, बोलता नहीं गेम तो नहीं खेल रहा, तो क्या पोर्न देख रहा था। चलते शो में क्या था, हॉरिजॉन्टल मोड में क्या था, फोटो ले रहा था। अच्छा ऐसे, ओ ऐसे तो लेना बंद कर दिया ना हम लोग ने। जब इंस्टाग्राम पे रील था डिसाइड हो गया था सब कुछ ऐसे ही करना है। नहीं अच्छा है, अच्छा वैसे है नहीं। जो कपड़े पहने गर्लफ्रेंड मार डालेगी मुझे। हाँ उबर जोक्स पे आओ, नवी मुंबई जोक्स पे भी आओ। हाँ हार्बर लाइन बहुत छोटिया लाइन है तुम्हारे पास, सेंट्रल वेस्टर्न में देखो फिक्स स्टॉप्स होते हैं कि यहाँ यहाँ रुकेगी, हार्बर में ऐसा कुछ नहीं। हार्बर लाइन उन्होंने अपनी मस्ती के लिए बनाई कि ड्राइवर जो जिसको नहीं चलाना आता बोलते यहीं छोड़ देते। मैं सच में कोई स्टॉप्स नहीं होते, कभी कभी ना ब्रिज के नीचे रोक देते, चाबी निकाल के चला जाता कि बस यहीं तक मन था, जाओ खुद। फिर मैं ओवर बुक कर रहा था वहां से, वो गाली भैंसो क्यों जाना है। एक बार सच में ऐसा हुआ, मैंने उबर बुक करी थी और उसने मैसेज में बोला कहाँ जाना है, मैंने उसको बताया, बोलता स्टेशन पे सो जाओ। नवी मुंबई से बेटर है। पर नवी मुंबई देखो, तुम लोग सोच रहे हो अगर इतनी बुरा है तो वहाँ रहते क्यों है लोग, तो वहाँ पे रहते इसलिए ना क्योंकि उसको बेचा 25 साल पहले हम सब के बाप लोग कोयड़ा बना के। ये बोल के बेचा था कि वहाँ एयरपोर्ट बनेगा। मैंने जाके देखा लौड़ा एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर, बस एक बड़ा सा गार्डन जिसके अराउंड दीवार बना दिया एकदम ऊंची कि कोई देख ना पाए अंदर क्या चल रहा है, अंदर सारे वर्कर्स पत्ते खेलते हैं। वियर्ड उबर्स बता रहा था, एक बहुत ही अजीब उबर बुक करी थी मैंने, बस में फ़ोन आया उसका, बोलता हाँ मैडम मैं लोकेशन पे पहुँच गया।
मैं उसको करेक्ट नहीं किया, बोला ठीक है मैं बोलूँगा, मेरी आवाज़ सुन के खुद को करेक्ट कर लेगा. बोला ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ. बोलता हाँ मैडम जल्दी आ जाओ. मैं उसको फिर भी करेक्ट नहीं किया. ठीक है मैं नीचे जाऊँगा, मुझे देख के खुद को करेक्ट कर लिया. मैं गया नीचे, मैं जाके कैब में बैठा. बोलता हाँ मैडम ओटीपी बताओ. मैं यार पीछे देख ले, मैं लड़का हूँ. पीछे मुड़ता है मेरी तरफ देखता है, तो देखो इतनी रात में अकेले बाहर मत निकल. उस दिन उस ड्राइवर की नज़र से खुद को देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट लेस्बियन दिखता हूँ. मैं जो स्ट्रांग बोलना था सेल्फ बोल दिया. कल से पढ़ के आऊंगा. डिफिकल्ट है. क्या हुआ? एग्जाम देके आया तो काम भी यही बोल दे कल से पढ़ के आऊंगा. नहीं साहब, नवी मुंबई से वो माफ किया. मेरे हैकलर टेक डाउन में कोई गाली नहीं होती क्योंकि नवी मुंबई खुद एक गाली है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. तो तुम डिसाइड करो, तुम्हें मुझे कंप्यूटर चलाते हुए देखना है या फिर बाइक चलाते हुए देखना है? ठीक है मैं देखो, मैं ये एक महीने से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज तक किसी ने कंप्यूटर नहीं चूज किया. और मेरे को वो जोक भी टेस्ट करना है तो अब मैं वही करूँगा. पहले एक रैंडम जॉक कर देता है, उसके बाद बाइक और कंप्यूटर दोनों बताता हूँ. ठीक है तो क्योंकि एक जॉक बताना भूल गया और अब नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे याद आ गया. एक हॉरर सीन बताना भूल गया था. मैं गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक हॉरर मूवी देख रहा था. इसमें सीन सेटअप सेम था कि वो एक बंगले में जाते हैं पूरी टीम और उसमें लॉक हो जाते हैं, भूत है उसमें, तो वो सब कुछ सेम था. बस इसमें इंटरेस्टिंग ये था ना, जो भूत है ना वैसे जो भी इंडिविजुअल रहता है सब इधर उधर बढ़ चुके हैं कि वो ढूंढने के लिए बढ़ जाते हैं कि हम ढूंढते हैं, बहुत चोतिए तो होते हैं. तो वो भूत क्या करता है, एक एक जन को कॉल करता है, जिसके पास भी कॉल जाता है जैसे जिसने कॉल उठाया उसका मर्डर कर देता है. और लेकिन मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि अब मुझे एग्जैक्ट सीन पता है कि जैसे ही किसी का फ़ोन बजेगा म्यूट करना है. म्यूट पे मर्डर देखेंगे. मैं ये कर करके मूवी देख रहा हूँ, आधी मूवी निकाल दी, डर लग ही नहीं रहा. मैं शो ऑफ भी कर रहा हूँ कि देख आज आधी मूवी देख ली, एक भी बार मम्मी नहीं बोला मैंने. पर फिर उसके बाद मेरा फ़ोन बजने लग गया. जो फट गई है. तो अब वो मुझे बेटर फील कराने के बोलती है, लाउड स्पीकर पे डाल, मरेंगे तो दोनों मरेंगे. ये बेटर फील तो नहीं करा रहा है. मैं डाला लाउड स्पीकर पे, हम लाउड स्पीकर पर बैठ के वेट कर रहे हैं, वहाँ से आवाज़ आती है, सर प्लीज़ कैंसिल कर दो. थैंक्स फॉर लिसनिंग. बाय.